अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं परी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सेलिब्रिटी वाइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कीजिए। फलक ने बहन शफक संग तोड़ा रिश्ता। शफक और शिजान में भी नहीं होती है बातचीत। शिजान खान को तनिशा मामले में हिरासत में लिया गया है। वहीं शिजान की बहन फलक ने हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू किया है। जहां उन्होंने मीडिया से प्राइवेसी की मांग की है। वहीं नाज सिस्टर्स के इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है। फलक को हाल ही में तनिषा शर्मा के अंतिम संस्कार में देखा गया था, जहां वो बहुत रोती हुई नजर आई थी। यहाँ आपको बता दें कि शफक और फलक वैसे तो आपस में बहने हैं, लेकिन दोनों में सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है एक दूसरे के साथ। शफक भाई शिजान को भी फॉलो नहीं करती हैं सोशल मीडिया पर। फलक नाज ने 2018 में इंटरव्यू दिया था और कहा था कि लास्ट 2 सालों से मेरा किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं है। शफक ने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मम्मी से लड़ाई की और हमें छोड़कर चली गई। जब वो जा रही थी तब उसने कहा था कि हम उसके लिए मर गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने शफक से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया कि उससे हमने बहुत दफ़ा कांटेक्ट किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि फलक नाज लगातार अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि शिजान को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आपका क्या कहना है इन दोनों बहनों की लड़ाई में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब देखना यह है कि तनिषा शर्मा को इंसाफ कब मिलता है और क्या शिजान की पूरी फैमिली तनिषा शर्मा केस में मुलव्वस है, क्या पूरी फैमिली उनके मुलव्वस थे तनिषा शर्मा के कत्ल केस में, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द तनिषा शर्मा को इंसाफ मिले और उनकी मौत रायगा ना जाए। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।